हेलो दोस्तों, आपको सुभलाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज है 4 अगस्त 2023, आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फिनटेक यूनिकॉर्न पाइन लैब्स ने किसे अपना मुख्य राजस्व अधिकारी नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है नवनीत नकारा, यानी नवनीत नकारा को फिनटेक यूनिकॉर्न पाइन लैब्स ने अपना मुख्य राजस्व अधिकारी नियुक्त किया है। नवनीत नकारा वन प्लस इंडिया के पूर्व सीईओ थे। पुनीत चंकोद ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए कॉरपोरेट प्रेसिडेंट हैं। प्रभात कुमार ये दक्षिण अफ्रीका में भारत के नए राजदूत हैं। और देवेंद्र कुमार उपाध्याय ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉकेट एफएम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है पेन्ना गोदत्ता के शिवस्वामी, यानी पेन्ना गोदत्ता के शिवस्वामी को पॉकेट एफएम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पेन्ना गोदत्ता के शिवस्वामी। रविंद्र बंगसटू ये भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के नए कोच हैं। सुनीता अग्रवाल ये गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और गणेशन कन्नाबीरन ये राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण यानी नैक के निर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्मार्ट डोर लॉक लाबना लॉक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? और इसका सही आंसर है उर्वशी रोतेला और दयानंद सेट्टी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी दोनों। यानी भारत के स्मार्ट डोर लॉक लाबना लॉक ने उर्वशी रोतेला और दयानंद सेट्टी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारतीय कंपनी में सबसे आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज का रैंक यानी स्थान क्या है? और इसका सही आंसर है 88, यानी नवीनतम फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारतीय कंपनी में सबसे आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज का रैंक 88 है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी 88। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड्स 2023 के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली भारतीय फिल्म का नाम क्या है? और इसका सही आंसर है चंपारण मटन। यानी ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड्स 2023 के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली भारतीय फिल्म है चंपारण मटन। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी चंपारण मटन। अभी हाल ही में एलिफेंट व्हिस्पर को शॉर्ट फिल्म के कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है जिन्होंने लोकसभा में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 पेश किया है? और इसका सही आंसर है अश्विनी वैष्णव। यानी केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को पेश किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी अश्विनी वैष्णव। पीयूष गोयल ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। राजनाथ सिंह ये रक्षा मंत्री हैं और निर्मला सीतारमण ये वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर कार्ड ने टोकन युक्त लेन देन के लिए CVV मुक्त भुगतान सुविधा को लॉन्च किया है। CVV का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही आंसर है कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन वैल्यू। यानी मास्टर कार्ड ने टोकनयुक्त लेन देन के लिए CVV मुक्त भुगतान सुविधा को लॉन्च किया है।
और सीबीबी का पूर्ण रूप है कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन वैल्यू, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन वैल्यू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हैदराबाद में 5G स्टेट बेड के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, और इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास। यानी भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने हैदराबाद में 5G स्टेट बेड के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी काउंसिल की 91वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत कर लगाने का निर्णय लिया गया है, यानी टैक्स, और इसका सही आंसर है 28%। यानी जीएसटी काउंसिल की 91वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया, यानी इसका सही आंसर है सी, 28%। जीएसटी को कब लॉन्च किया गया था, और इसका सही आंसर है 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्यों के मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ पौधे को लगाने का लक्ष्य को पूरा करने के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया है, और इसका सही आंसर है असम। यानी असम राज्यों के मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ पौधे को लगाने का लक्ष्य को पूरा करने के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग और प्रश्न पत्र लीक घटनाओं को रोकने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती विधेयक 2023 लाएगी, और इसका सही आंसर है झारखंड। यानी झारखंड राज्य सरकार ने परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग और प्रश्न पत्र लीक घटनाओं को रोकने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 लाएगी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया सबेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, और इसका सही आंसर है अल्पसंख्यक मंत्रालय। यानी नया सबेरा योजना अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अल्पसंख्यक मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई पेंटिंग का जीआई टैग किस राज्य को मिला है, और इसका सही आंसर है राजस्थान। यानी पिछवाई पेंटिंग का जीआई टैग राजस्थान को मिला, ये है पिछवाई पेंटिंग। अभी हाल ही में उडुपी साड़ियों का जीआई टैग किस राज्य को मिला है, कर्नाटक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है, वो वर्तमान में किस राज्य के खेल मंत्री हैं, और इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। यानी मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिए हैं, और वो वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्यों के खेल मंत्री हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। अभी हाल ही में बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास लिया है, इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट बोर्ड ने संन्यास लिए हैं, और इंग्लैंड के मोइन अली भी संन्यास लिए हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है, और इसका सही आंसर है नीरजा चौधरी। यानी प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक है नीरजा चौधरी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नीरजा चौधरी। अभिषेक चौधरी, इनका हाल ही में किताब आई जिसका नाम है वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदूज राइट 1924-1977। चेतन मारू, इनका पुस्तक है वेस्टर लेन, और टीएन सेशन द्वारा ऑटोबायोग्राफी लिखा गया जिसका नाम था थ्रू द ब्रोकन क्लासेस।
अब करंट अफेयर्स रिवीजन में कल का करंट अफेयर्स यानी 2 एवं 3 अगस्त का करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर था मैक्स वेरस्टपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया के नए कॉरपोरेट वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? पुनीत चंदोक को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? और इसका नाम है राजेश पेंडरकर। नेक्स्ट, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के अपर निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है अमिता रानी। नेक्स्ट, 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और इसका सही आंसर है भारत। नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्यों के नया विधानसभा भवन का उद्घाटन किए हैं? और इसका सही आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई इंडेक्स के अनुसार देश भर में डिजिटल भुगतान में मार्च 2023 तक एक वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? और इसका सही आंसर है 13.24%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं, वो किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे? इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो गोडिन ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है, वो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? और इसका सही आंसर है उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा में चल रहे वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में तीरंदाजी की स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? और इसका सही आंसर है रजत चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार किस राज्यों में अरबपति विधायकों की संख्या सबसे अधिक है? और इसका सही आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन स्थित किस भारतीय मूल की लेखिका की उपन्यास वेस्टर्न लेन 2023 बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है? और इसका सही आंसर है चेतना मारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्यों के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बक्कम पुरुषोत्तमन का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया? और इसका सही आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व लंग्स कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 1 अगस्त।